बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच एक मोठी बातमी समोर येते। बिहार मधील राजकीय बातमी आहे। थोड्याच वेळात नितीश कुमार यांचा शपथविधी सोहळा पार पडणार आहे। राजभवनामध्ये हा सोहळा रंगणार आहे। मंत्रिमंडळात भाजप आणि जेडीयूचे प्रत्येकी 7 मंत्री असणार आहेत। 2 मंत्री हम आणि व्हीआयपी पक्षाचे असतील। भाजपच्या वाट्याला 2 उपमुख्यमंत्री पद देण्यात आले। तर आज 16 मंत्र्यांचा शपथविधी होण्याची शक्यता आहे। नितीश कुमार 7व्यांदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहेत। सध्याची मोठी बातमी आपण बघत आहोत। थोड्याच वेळात नितीश कुमार यांचा शपथविधी सोहळा पार पडणार आहे। आज 16 मंत्र्यांचा शपथविधी होण्याची शक्यता आहे। तर नितीश कुमार 7व्यांदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहेत। तारकिशोर प्रसाद आणि रेणू देवी उपमुख्यमंत्री पदाचे प्रबळ दावेदार असल्याचं देखील कळत आहे। एकूणच मोठी बातमी समोर येते। थोड्याच वेळात आता नितीश कुमार यांचा शपथविधी सोहळा पार पडणार आहे। राजभवनामध्ये हा शपथविधी सोहळा रंगणार आहे। मंत्रिमंडळात भाजप आणि जेडीयूचे प्रत्येकी 7 मंत्री असणार आहेत। तर हा शपथविधी सोहळा महत्वाचा मानला जातोय। नितीश कुमार यांचा शपथविधी सोहळा थोड्याच वेळात सुरू होणार आहे। या सोहळ्याला दिग्गज नेत्यांना निमंत्रण देखील देण्यात आलंय। मात्र तेजस्वी यादव यांनी शपथ सोहळ्याला येण्यास नकार दिलाय आणि याबाबतचं कारण देखील अद्यापही अस्पष्ट आहे। यापूर्वी तेजस्वी यादवांनी बिहार निवडणूक मतमोजणीत देखील गडबड झाल्याचा आरोप देखील केला होता। या सगळ्या संदर्भात अधिक बोलण्यासाठी आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत रविशंकर उपाध्ये। सर, क्या बताएंगे नितीश कुमार इनका शपथविधि सोहळा है, इसमें अभी तेजस्वी यादव जो है वो उपस्थित नहीं होने वाले, क्या इसका कारण बताया जा रहा है? कारण कुछ नहीं है, कारण केवल यही है कि तेजस्वी यादव को उम्मीद थी कि वो सत्ता में आएंगे और वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन गणित कुछ उनका इस प्रकार बिगड़ा, मुख्यमंत्री बन नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके सलाहकारों ने यह उनको सलाह दी होगी कि इस बार मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से दूर ही रहा जाए। जी, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ये उपमुख्यमंत्री पद की मतलब दावेदार है, तो इस बारे में क्या बताएंगे? देखिए, तारकिशोर प्रसाद काफी सीनियर लीडर हैं और कटिहार से लंबे समय तक वहां का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। रेणु देवी भी बहुत पुरानी भाजपा की नेत्री रही है, लेकिन इस बीच आप ये देखिए कि बीजेपी वालों ने जिन दो चेहरों को सामने लाया है, उन दो चेहरों की बहुत बड़ी मतलब उनसे उम्मीदें हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं। अब बीजेपी के आला कमान ने किस आधार पे उनको चुना है, ये तो वो वही जान रहे होंगे, क्योंकि उनका इतिहास रहा है कि वो उन्होंने इसी तरीके से अचानक उठा लिया था रघुवर दास को झारखंड में, इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर लाल को भी सामने लाया हरियाणा में। तो अब उनकी रणनीति का हिस्सा होगा कोई कि वो किसको लाए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बिहार के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, उनसे कुछ कार्यकर्ताओं से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इन दोनों नेताओं से हमें कोई विशेष उम्मीद नहीं। जैसे जिस आधार पर उन्होंने सुशील मोदी को साइड किया, अब सुशील मोदी को साइड किया तो उनकी टक्कर का कोई बड़ा नेता आना चाहिए था, एक ऐसा जो मान लिया कि बीजेपी सो कॉल चाह रही है कि वो डोमिनेट करे नीतीश कुमार से, तो उनको तो ऐसा चेहरा लाना चाहिए जो कद्दावर हो, वो जो बहुत बेकॉफ बोल सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेणु जी को ही अपील थी, तो वो 2005 से लेकर के 2009 तक नीतीश के अंदर ही वो मंत्री रह चुकी हैं। जी, और आप तारकिशोर प्रसाद को लीजिए, तो वो नीतीश कुमार और के कहते हैं कि वो सुशील मोदी के बहुत निकटतम हैं, तो बहुत ज्यादा वो भी नीतीश कुमार को डोमिनेट नहीं कर सकेंगे। हाँ, नीतीश कुमार ही इन दोनों लोगों को, यदि दोनों उप मुख्यमंत्री बन लिए तो बीजेपी का आंतरिक मामला है कि वो किनको उप मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन यदि इन दो नाम जिन पे चर्चा चल रही है उन लोगों को यदि वो सामने लाया उन्होंने, तो बहुत ज्यादा इन जो नीतीश को डोमिनेट करने की जो रणनीति है बीजेपी की, मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं से भी कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि वो ये बहुत लोकल नहीं है, इनका वो राजनीतिक तजुर्बा नहीं है कि वो जो नीतीश कुमार की छवि के बरक ये बैठ सके, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल आने वाली है। लेकिन बीजेपी की रणनीति क्या है अब तो वही बता। जी रविशंकर जी, धन्यवाद, आपने जय महाराष्ट्र से बातचीत की इसलिए। तर एकूणच थोड्याच वेळात नितीश कुमार यांचा शपथविधी सोहळा पार पडणार आहे।
आणि या सगळ्या संदर्भात अधिक बोलण्यासाठी आपल्या सोबत ज्येष्ठ पत्रकार देखील जोडले गेले आहेत अजय कुमार। अजय जी, क्या बताएंगे इस जो कार्यक्रम है, इस किस प्रकार इसकी तैयारी की गई है? नहीं, अब थोड़ी देर में राजभवन में शपथ समारोह होगा और सारे लोग पहुंच रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, अमित शाह, जेपी नड्डा सारे लोग पहुंच चुके हैं और अब 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी राजभवन में। और जो मंत्री हैं, जिनको ओथ लेना है, जिनको शपथ लेनी है, वो भी पहुंच रहे हैं। और मुझे लगता है कि ज्यादातर मंत्री जिनको ओथ लेना है वो पहुंच रहे हैं। जी, नीतीश कुमार आज शपथ लेने वाले हैं, लेकिन इनके साथ और कौन कौन नेते हैं जो शपथ ग्रहण करने वाले हैं? नीतीश कुमार के अलावा जदयू से 5, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी जो पार्टी है मुकेश सहनी की, उससे 1-1, और बीजेपी से 7 लोग, 7 विधायक जो जीत कर आए हैं वो शपथ लेने वाले हैं। जी। पहली बार बिहार में ऐसा होने जा रहा है कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात है, जो दोनों ही भाजपा के होंगे। और इसमें इस पूरे आज दिन भर की गतिविधि में देखेंगे तो सुशील मोदी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, और कल रात में जो उन्होंने ट्वीट किया था उसका जो आखिरी वाक्य था वो काफी संकेत कर रहा था कि वो दुखी भी हैं और नाराज भी हैं, तो वह नाराजगी आज दिख रही है। पार्टी कार्यालय पहुंचने के बाद जिस तरह से स्वागत किया गया अमित शाह का और जेपी नड्डा का, उसमें सुशील मोदी का चेहरा गायब था, वो थे नहीं कहीं। जी, तो इससे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं पार्टी के इस फैसले से नाराज है और वो आगे की क्या रणनीति उनकी होगी अब देखना बाकी है। जी अजय जी, अभी इस शपथ ग्रहण में तेजस्वी यादव नहीं आने वाले, इसका कुछ कारण बताया जा रहा है? तेजस्वी और लेफ्ट भाकपा माले के लोगों ने घोषणा की है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे, और उन्होंने कारण बताया है कि जो जिस तरीके से जनादेश का अपमान किया गया है, जो जनादेश था नहीं और मैनिपुलेट किया गया है, कम से कम 10-12 ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन के लोग जीत रहे थे, काफी कम मार्जिन था, और उसको फिर वहां के निर्वाची अधिकारियों ने पलट दिया, यह आरोप लगाते हुए उन्होंने शपथ ग्रहण का बहिष्कार करने की घोषणा की है तेजस्वी यादव। और भाकपा माले की ओर से भी कहा गया है कि वो लोग भी शामिल नहीं होंगे। जी, अमित शाह और जेपी नड्डा ये सब लोग शामिल रहेंगे राजभवन में, और ये लोग पहुंचना शुरू कर रहे हैं। जी, भाजपा के 2 नेता हैं जिनकी लॉटरी लग सकती है, क्या इस बारे में बता सकते हो आप? जो उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक सामाजिक जो समीकरण है उसको साधने की कोशिश की है, 2 उप मुख्यमंत्री को लाकर, एक तो महिला और वो अति पिछड़ी जाति से हैं, रेणु कुमारी, रेणु देवी, और जो तारकिशोर प्रसाद हैं वो वैश्य समुदाय से आते हैं, समाज से आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अति पिछड़ी जातियों का एक वोट बैंक है का 30-31%, तो उसको ध्यान में रखते हुए भाजपा ने ये रणनीति अख्तियार की है कि उसको फोकस करना है अति पिछड़ी जातियों पर। और आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए उन्होंने इसी समूह पर काफी फोकस किया, वो चाहे पंचायतों में आरक्षण की बात हो या उनके लिए और स्कीम की बात हो, एजुकेशन की को लेकर हो, तो ये अति पिछड़ी जातियों का केंद्र में, एक तरह से नीतीश कुमार की राजनीति के केंद्र में ये जातियां रही हैं। अब उसको तोड़ने फोड़ने की कोशिश मुझे लगता है कि बीजेपी की ओर से शुरू की जा चुकी है, और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का तो ये सीधा अर्थ है कि बीजेपी अब उन जातियों में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है जहां उसकी स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर रही है। जी जी अजय जी, धन्यवाद, आपने जय महाराष्ट्र से बातचीत की इसलिए। राजभवन